आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर भनवापुर ब्लॉक का हुसडी ओसानपुर का यह गांव इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब 1034 की आबादी वाले इस गांव की गुलाबी रंग में रंगी सभी दीवारें एक अलग ही नजारा पेश कर रही हैं। गुलाबी रंग के पसंद के पीछे इस रंग का प्रेम और समरसता का प्रतीक होना प्रमुख वजह है। एक रंग में पूरे गांव को रमने का कारण गांव के प्रधान दिलीप पांडे की यह सोच है कि जाति धर्म ऊंच नीच को खत्म कर सबको एक माले में पिरोना है। हमारे प्रधान जी ने जिस तरीके से डिजिटल बनाया हुआ है, सबसे पहले हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो वाईफाई सुविधा दी है वो हमारे युवाओं के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जब हम लोग गांव से मतलब पहले रहता था, आज से पहले 2-4 साल पहले जब भाई साहब नहीं थे प्रधान, तो यहाँ पे था कि कोई नेटवर्क ही नहीं पकड़ता था, गांव से बाहर जाना पड़ता था, नेटवर्क तो फिर फोन में आता था। अब आज की ऐसी हो गई है कि घर बैठे अपना आराम से वाईफाई भी सुविधा हम लोगों को मिल रही है, साथ में अपना नेट भी चला रहे हैं और उसमें अपना पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित हम लोग चीजें सर्च कर लेते हैं। और जो भी है कि बच्चे भी है, पहले रहता था कि बच्चे स्कूल ही नहीं आते थे, अब आज की स्कूल की सुविधा इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है कि बच्चे खुद ही चले आते हैं, चाहे अब स्कूल अगर बंद भी रहता है तो बार बार यही देखते आते हैं कि हाँ खुला है कि नहीं खुला है, क्योंकि यहाँ की सुविधा इतनी अच्छी हो गई है। और जैसे कि सीसीटीवी कैमरा भी लग गया है, उससे किसी को चोरी डकैती ये सब नहीं हो सकती है आगे, और महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान की गई है उसी से, तो सबको यही डर रहेगा कि नहीं कैमरा लगा हुआ है, तो डर तो सबको अंदर बना रहेगा। और जैसा कि अपना जो पिंक कलर का हो गया है, तो एक जयपुर में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, वैसे ही आज पिंक विलेज के नाम से आगे चल करके जाना जाएगा, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और आगे चल करके ये है कि हम लोग कोशिश यही जारी रहेगी कि अच्छे से अच्छा इस गांव को बना सकें और पूरे प्रदेश में एक स्मार्ट विलेज के नाम से जाना जाए हमारा गांव। इसके गांव को डिजिटल कर दिया, इस पे आप क्या कहना चाहते? हमारा गांव डिजिटल हो गया है, ये प्रधान जी के प्रयास के द्वारा हुआ है, उनका अथक प्रयास है। और ये हमारा गांव डिजिटल मतलब ये समझ लीजिए कि यूपी में पहला गांव है जो हमारा ये डिजिटल हुआ है। यहाँ पर सारा आधुनिकीकरण हो रहा है, सब चीजें जो यहाँ पर जैसे वाईफाई सिस्टम है और ये कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसमें बहुत ही खासियत जैसे कि यहाँ पे गांव में चोरी वगैरह होना सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छे हैं और लोगों को इससे सुविधाएं ज्यादा मिल रही हैं। हमारे गांव में जो नालियां हैं उनको कवर्ड किया जा रहा है और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और ये जो गुलाबी राजस्थान के पिंक सिटी के तर्ज पर हमारे गांव को भी गुलाबी गांव के नाम से जाना जाएगा, इसमें प्रधान जी का दरअसल एक डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा था गुजरात के गांव पुलसरी के बारे में कि वो इंडिया का पहला मॉडल विलेज है और डिजिटल विलेज है, उसमें उसी को देख के मेरे मन में विचार आया कि हम भी अपने गांव को पुलसरी अगर स्मार्ट विलेज बन सकता तो हसुड़ी क्यों नहीं। उसी के देखते हुए उसको फिर मैं गुजरात गया, वहां पुलसरी के गांव को देख के फिर अपने गांव में आया, तो जो जो सुविधाएं वहां पे थी उसके अलावा भी अलग अलग से सुविधाएं हैं अपने गांव में उपलब्ध कराने के लिए हमने कोशिश शुरू किया। और गांव में अभी तक हमने वाईफाई सीसीटीवी पब्लिक एड्रेस सिस्टम और जो गांव की सबसे मेन खासियत यह है कि ये जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन पे मैंने पूरे गांव का डाटा फीड कराया हुआ है, कोई भी आदमी ये देख सकता है कि गांव में उसका खेत कहाँ पे है, नहर कहाँ पे है, चक्रोड कहाँ पे है, सारी जानकारी एक क्लिक पे हमारे गांव की वेबसाइट जो www.digitalhasuri.com पे उपलब्ध है। तो उसका मैंने पूरे गांव का डिजिटलाइजेशन करवा के ऑनलाइन करवाया है जिससे कि गांव वालों को सारी सहूलतें मिले यहां पे। और एक कॉमन सर्विस सेंटर भी गांव में हमने खोला है जिससे लोगों को अब भविष्य में आय जात निवास आदि के लिए तहसील वगैरह या कहीं पे आने जाने की जरूरत नहीं रहेगी, उनको गांव में ही सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। एक पहचान दिलाने के लिए कि गांव हमारा है तो डिजिटल में मोदी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं हम, तो दूसरे उसमें साफ सफाई के लिए हमने गांव को पूरा पिंक कलर करवा दिया है जिससे कि एक मैसेज जाए लोगों में कि साफ सफाई के प्रति हमारा ध्यान रहना चाहिए। और अगर जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है तो हमारा गांव भी पिंक विलेज के नाम से जाना जाए।